प्रथाणि स्थिरचरणि कर व्याप्तिर्व्याप्तलोकान् भूत्वा भोगांश्चकृष्णान् पुनरपि भीष्मानुभाषितान् तां जन्यान् कृत्वा सर्वाविशेषान् स्वपिति मधुरभूम् मायया भोजयन्तो माया सङ्ख्यातुरीयं परमगमनं ब्रह्मयत्नं नतोऽस्मि। पहले प्रकरण क्या था? आगम प्रकरण। वहाँ भी सूर्य वाक्य के आधार पर जगत में पारमार्थिक सत्य नहीं है ये दिखाया। और दूसरे प्रकरण के नाम क्या था? वैदर्थ प्रकरण। उसमें युक्ति के आधार पर स्वप्न को दृष्टांत बना के युक्ति के आधार पर जगत में पारमार्थिक सत्य नहीं है ऐसा प्रतिपादन करके दिखाया। तब जब कुछ भी सत्य नहीं है तब अद्वैत भी सत्य नहीं है ऐसा जब शंका होती है तब उसका मन बता दे नहीं नहीं अधिष्ठान तत्व विज्ञान नहीं हो सकता। इसको भी आप युक्ति के द्वारा समझ सकते हैं परंतु श्रुति अनुकूल युक्ति के द्वारा कैसी युक्ति श्रुति अनुकूल युक्ति के द्वारा समझ सकते हैं। इस कृपणता क्या है? भेद दृष्टि कृपणता है, फल चाहना ही कृपणता है ना। कर्म करके कुछ मुझे मिल जाए भावना ही कृपणता है। और इन आपको भेद अलग दिखाई दे रहा है ये मेरे पास नहीं है और इसलिए मुझे ये चाहिए। परंतु यदि आप अपनी पूर्णता के तक में बैठते हैं तब क्या होता है? और यही जो है पूर्णता ही अक्षिपणता है। पूर्णता की होगी अक्षिपणता है। सामने हमें अलग अलग दिखाई देने पर भी ये सभी के अंदर एक ही तत्व अनुसूत है। इसी को समझाने के लिए श्रुति में सृष्टि का प्रकरण आया है। मृत लोग विस्फुरित आदि सृष्टि या चोरी का अन्न था उपाय से अवताराय नास्तिभेदमथंच। ये श्रुति ने एक उपाय बनाया। क्या बनाया? एकत्व बुद्धि को दृढ़ करने के लिए एक ही तत्व है। क्यों? उसने दिखाया कि मृत्तिका से बने हुए सारा विकार मृत्तिका से भिन्न नहीं है। सुवर्ण से बने हुए सारा अलंकार सुवर्ण से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार तंतु से बने हुए सारा पट तंतु से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार जगत के मूल उपादान कारण के रूप में चाहे सत शब्द से बोला चाहे ब्रह्म शब्द से बोला चाहे आत्म शब्द से बोला ये सारा की कोई वस्तु दिखाई पड़ रहा है वो उससे भिन्न नहीं है। अब यहाँ पे जिस तत्व को जगत के मूल कारण के रूप में कहा गया है उस मूल कारण व्यापक है असंग है अविकारी है इसलिए यहाँ पे परिणाम होना संभव नहीं है। जगत के मूल कारण के रूप में जो उसको दिखाएगा क्या कहा गया है? एकम एव अद्वितीयम ठीक है ना अजम नित्य शाश्वत इस प्रकार शब्द जो प्रयोग करके क्या दिखाया उसमें सजातीय विजातीय सतत भेद नहीं है निरवय वस्तु है व्यापक है। व्यापक और निरवय वस्तु में जब कोई चीज दिखाई देता है वो केवल मात्र विवर्त से संबंध है केवल मात्र विवर्त से संबंध है परिणाम होना संभव नहीं है। इस प्रकार से जो भी सृष्टि श्रुतियों में जो है सृष्टि के बारे में कथन किया गया है वो ये दिखाने के लिए चाहे मृत्युला के दृष्टान्त हो चाहे सुवर्ण के दृष्टान्त हो चाहे अग्नि विस्फोट के दृष्टान्त हो भेद रूप में दिखाई देगा रहे परंतु दिखाना है वहाँ पे स्वरूप ये एक ही है स्वरूप ये इसको समझाने के लिए दृष्टान्त दिया है यहाँ पे। क्या दृष्टान्त दिया था? प्राण संवाद ये प्राण संवाद अलग अलग श्रुति में अलग अलग प्रकार से आता है। कोई बोलते हैं कि देखो प्राण इंद्रियों में आपस में विवाद छिड़ पड़ा तो वो पिताजी के पास गया पिताजी ने बोला कि तुम्हारे अंदर जो निकल जाने पर शरीर सबसे पपिष्ट कम हो जाएगा ऐसे का विस्तार हो जाएगा वो तुम्हें श्रेष्ठ है। इसके लिए
कहीं पे इसका ऐसा कथा नहीं है। देवताओं ने जो है असुरों को दबाने के लिए यज्ञ किया था, यज्ञ में एक एक के देवताओं को बोला तुम उद्धार करो, प्रतिनिधि देवता ने अपने आप उद्धार करके फिर अच्छा वंश अपने पास रखा और बाकी सम्मान दे दिया। इस प्रकार प्रत्येक उपनिषद में प्राण संवाद जहाँ जहाँ आया है अलग अलग प्रकार की कथा सुनाई जाती है। यदि एक ही घटना हुई होती तो हर जगह पे एक ही प्रकार की कथा होती, परंतु इसलिए वहाँ पे प्राण संवाद में भिन्नता देख कर ये निर्णय करता है वो प्राण संवाद अभिष्ट नहीं है, प्राण की श्रेष्ठत्व दिखाना अभिप्त है, प्राण की श्रेष्ठत्व दिखाना अभिप्त है, तभी जाके प्राण की उपासना करेंगे। इसी प्रकार से जैसे वहाँ पे दृष्टांत उसी प्रकार दृष्टांत में क्या है, हर जगह पे सृष्टि की प्रक्रिया अलग अलग दिखाई, कहीं आकाश से, कहीं तेज से, कहीं जो है आपका प्राण से, एक जाए प्राण सर्वे, कहीं प्राण से, कहीं पे जल से, कहीं इकट्ठा पूरा पिंड बना दिया, अलग अलग प्रकार की सृष्टि की कथन किया, इससे दिखाई देता है कि सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, परंतु हर जगह पे सृष्टि दिखाने से पहले भी शब्द प्रयोग किया, चाहे आत्मा के लिए, चाहे ब्रह्म के लिए, चाहे सत के लिए, वहाँ पे शब्द एक ही है, एक इससे क्या है, इसलिए सिद्ध होता है ब्रह्मसूत्र में अधिकरण भी आया हुआ है, सृष्टो विधान या बिना सृष्टिकर्ता विधान न, सृष्टि में अलग अलग विरुद्ध कथन होने पर भी सृष्टिकर्ता में कोई विधान नहीं है, मतलब विरुद्ध कथन नहीं है, अनेक कथन नहीं है, इसलिए सिद्ध होता है कि सृष्टिकर्ता को प्रतिपादन करने हमारा मिलता है। और क्या आज तक किसी ग्रंथ किसी महापुरुष किसी ने ये नहीं कहा सृष्टि के ज्ञान से आपको महान फल प्राप्त होगा, तब विपरीत सृष्टिकर्ता के ज्ञान से है ना आप जन्म में से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार से इस सृष्टि स्तुति के तात्पर्य गांधी सृष्टि या चोरी था अन्यथा अलग अलग प्रकार से सृष्टि के बारे में कथन किया गया है वो अन्यथा वहाँ पे अभिप्राय उपाय से अवतारा वो हमारी बुद्धि में एकत्व दृष्टि को अवतारण करने के लिए वो उपाय अपनाया गया है। ठीक है आपने सृष्टि वाक्यों में जो विज्ञान है उसको समन्वय करके देखा, परंतु देख लो श्रुति में कर्म अलग अलग बोल रहे हैं, उपासना अलग अलग बोल रहे हैं, इसका कैसे निरूपण करोगे, इसको कैसे निरूपण करोगे, भेद दिखा रहे हैं वहां तब उसको लेकर के अगला श्लोक आ गया नंबर 16। 15 पूरा हो गया था उसका टिकट पूरा कर देते मंदा नंबर, आज 16 से शुरू होगा ना। ठीक है देखिए 16 में है आत्मा हमारे टीकाकार 16 का भी उपकार दिया है फिर से देखिए पेज 153। ठीक है उत्पत्ति आदि श्रुति विरोधम अद्वैते परभिद्र उपासना विधि अनुपत्ति विरोधम परिहरति। ठीक है उत्पत्ति आदि उत्पत्ति सृष्टि स्थिति लय अलग अलग श्रुतियों में अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। ठीक है ना इसमें जो विरोध हमको प्रतीत हो रहा था उस विरोध को हमने मिटाए कि वहाँ पे सृष्टि में हमारा अभिप्राय नहीं है सृष्टिकर्ता में। ठीक है उत्पत्ति आदि स्थिति विरोधम अद्वैत अद्वैत दृष्टांतों में द्वारा जो अद्वैत सिद्धांतों में उसके साथ कोई विरोध नहीं है, इस विरोध को परिहार करके उपासना विधि आप क्या है अलग अलग कर्म अलग अलग उपासना अलग अलग अधिकार इसमें जो विरोध दिखाई पड़ता है आपका अद्वैत सिद्धांतों में उसको कैसे निराकरण करोगे। इसलिए तो उपासना विधि अनुपत्ति शास्त्र में अलग अलग उपासना दी हमारे यहाँ पे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन सब अलग अलग करके उपासना करके कहते हैं वहाँ पे है कि नहीं एक अलग अलग करके उपासना कहते हैं आप आगे और उपासना कर लिए कम से कम दो तो चाहिए एक उपास्य उपासक और एक उपास्य उपासना मतलब जिसको उपासना करते हैं एक उपासक और एक उपासना थोड़ा सा फिर तो वही वहाँ पर तो कहाँ से हो पाएगा। इसलिए आपका सिद्धांत तो सही नहीं है हम एक एक करके इसका उत्तर देंगे क्यों ऐसा श्रुति नहीं किया। तो उत्पत्ति आदि श्रुति विरोधम अद्वैत परिहित उपासना विधि अनुपत्ति जैसे उपासना विधि भी युक्तिहीन हो जाएगा, इसलिए आपका अद्वैत श्रुति का जिसका विरोध है उस विरोध को परिहरति कौन परिहार कर रहे हैं परिहार कौन होगा कार्य गौर बारे मध्यमोत्कृष्ट दृष्टयः मध्यमोत्कृष्ट दृष्टयः
उपासनोपदिष्टेयम् उपासनोपदिष्टेयम् तदर्थमनुकम्पया आश्रमाश्रितिधारीन मध्यमोत्कृष्टदृष्टयः उपासनोपदिष्टेयम् तदर्थम् अनुकम्पया। विद्याश्रम है शामिल आश्रम त्रिविधा तीन प्रकार के आश्रम जैसे कास्ट सिस्टम अभी क्लास सिस्टम में बदल रहे हैं सोसाइटी में क्या दिखाई पड़ रहा है पहले डिविजन से कास्ट मतलब ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शुरू आजकल धीरे धीरे वो सिस्टम परिवर्तन कर रहा है तो डिविजन है क्लास डिविजन कर दिया हायर क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास लोअर मिडिल क्लास हायर मिडिल क्लास लोअर मिडिल व्यवस्था में आप भी शायद कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा यहाँ पे गौर करना चाहिए अधिकारी को ये तीन भाग में विभाजन अधिकारी को तीन भाग में विभाजन ठीक है ना जो सामान्य अधिकारी है उनके लिए पहले कर्मों के विधान करते हैं सामने को उपनिषद की सुर में जो दो अध्याय आता है वह कर्म अंग भगवत उपासना दो अध्याय उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा केवल उपासना और षष्ठ और सप्तम केवल ज्ञान का प्रोग्राम और दहर विद्या उपासना भी है ज्ञान भी है अष्टम तो वहाँ पे भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि सामान्य जो अधिकारी है हमें कर्म करने का अभ्यास है भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं ना ही करते चनावी जागृतिष्ठ प्रत्या कर्म के कार्य के अवसर कर्म सर्वप्रति देखने तो इस अवस्था में अचानक किसी को कर्म को बंद करने के लिए बोले तो संभव नहीं होगा इसलिए श्रुति ने क्या किया कर्म अंग अवगत उपासना ज्योतिष्टोपजात के अंदर कर्म उद्गान और उद्गीत के साथ जुड़ करके कुछ उपासना का विधान किया पहले दो बार क्योंकि उपाय है एक अधिकारी को ऊपर उठाने के लिए सामान्य व्यक्ति को योग्य को बनाने के लिए श्रुति के पास नहीं उपाय उपाय से अवतार आए ये उपाय है सामान्य व्यक्ति के अंदर अद्वैत सिद्धांत को बोध उत्पन्न करने के लिए बुद्धि में शुद्धता लाने के लिए यही उपाय है शास्त्र और वर्ण भी कर्म को निष्काम भाव से करना सकाम भाव से करने पर धीरे धीरे सोता है निष्काम भाव से करते जल्दी होता है तीन तो वे तो यहाँ पे बोलते हैं आश्रम तीन भाग में विभाजित मतलब बोलते हैं यहाँ पे हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टि के सुविधा व्यक्ति अपने अपने बौद्धिक योग्यता के अनुसार कुछ निम्न कैटेगरी का है कुछ मध्यम कैटेगरी का है कुछ उत्तम कैटेगरी का है उपासना क्या किया कि सभी को वेद एक महाऔषधालय है सभी को निरोग रखना है अब जिस बेटी का या जिस रोगी का जैसा जैसा बीमारी है उसको प्रतनुकूलता वाई देगा बीमारी क्या है सबसे बड़ी बीमारी है वासना तभी तो संसार में भवरोग के पीछे मुख्य कारण क्या है कोई भी डॉक्टर क्या करते हैं कि बीमारी डायग्नोसिस इज द मेन डॉक्टर दवाई देते हैं वो नहीं है डॉक्टर है ना लेकिन आयुर्वेद में से क्या बीमारी क्या है सुनते हैं अच्छी तरह से पकड़ लिया मेन डिजीज है डिजीजर अब इसको जो है धीरे धीरे निकालना है तो निकालने के लिए क्या करते हैं कि ठीक है आप जो है मतलब इतना काम करो उसके साथ में भगवान की चिंतन करो आपका इच्छा इच्छा पूर्ति हो जाएगी इस प्रकार से धीरे 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 फिर व्यक्ति अपने आप ही सोचेगा इतना तो वस्तु को मैंने इकट्ठा किया भगवत विवाह से मिला फिर भी मन में वो शांति क्यों नहीं मिलता है परीक्षा लोकान कर्म चितान ब्रह्म निर्वेद माया नष्ट इसी अथा तो ब्रह्मा में ये अत शब्द मतलब इसलिए परीक्षा लोकान कर्म चितान इसको वहाँ पे रेफर किया है यही उपाय है यहाँ पे कि सामान्य अधिकारी यहाँ पे तो जो उपासना करते हैं वो बिल्कुल लोअर कैटेगरी का नहीं है भगवत मार्ग में चलने वाले व्यक्तियों में ये थोड़ा लोअर कैटेगरी है इसलिए इसको कर्मशा की उपासना देना और उससे अच्छा उस मतलब कार्य ब्रह्म को दिखा करके उपासना फिर उसके बाद का कारण ब्रह्म ईश्वर की उपासना फिर उसके बाद जो क्या है कि आत्मा को जानो आत्मा को जानो आत्मा इतने को उपासित परंतु अंतिम स्थिति क्या है अब यहाँ तक पहुँचने के लिए एक क्रम है यहाँ तक पहुँचने के लिए एक क्रम है इसीलिए श्रुति के द्वारा उपासना आदि को ध्यान किया यदि उपासना विधेय होता तो केंद्र उपनिषद में कैसे बोलता नहीं गम यदि न उपासना यद मनसा नाम होते ये ना अहुर मनम तदेव ब्रह्मतम विद्धि नहीं तम यदि तम उपासना
चेतन रूप में आप जिसको उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। सुखी बात करें हमारी तो हरी बात नहीं है, सुखी बात को बोलते सुखी आप नहीं बोलते, यानी कि सगुण साकार रूप में जो भी कुछ वस्तु दिखाई पड़ता वो आत्मा का पारमार्थिक ब्रह्म का पारमार्थिक रूप नहीं है, वो तो उनको समझने के लिए एक अवलंबन लेकर काम को चलना है, इसीलिए उसे साक्षात कर जाएगा। उत्तम अधिकारी आत्मचिंतन बताते हैं और जब स्वरूप अवस्था में आ जाता है उत्तम सहज अवस्था उपाय, इसीलिए बोलता है उपासना उपदेश उन लोगों को ही अनुकम पाया, कहते हैं सभी को मार्ग मिले जाना है, सभी को मुक्ति की मार्ग दिखाना है, उनको अनुग्रहित करने के लिए अनुकम का कृपा करके सुखी माता ने ऐसा सबको ताकि हमारी मार्ग में चलकर सबके लिए रास्ता बना दिया, सबके लिए रास्ता, किसी को नहीं छोड़ा। इसके अंदर तो किसी ने तो पांच प्रकार के जीव होते हैं संसार, क्या पता पामर जीवन मुक्त और आधिकारिक पुरुष, ठीक है, आधिकारिक पुरुष को हमको शास्त्रों करने के बाद पता है पांच प्रकार के पुरुष होते हैं समाज में, जिससे उसमें पामर जीव सबसे अधिक है, मतलब खाओ पियो जीव चार बात से आप इसके मात्रा अधिक होने के कारण इनको जब इस मार्ग में लाना है तो उसके लिए आपको रास्ता भी अलग बताना पड़ेगा, इसीलिए 80,000 मंदिर क्योंकि पामर जीव की संख्या अधिक है, खाओ पियो जीव ठीक है, तब बोलते हैं कि तुम खाओ पियो जीव मस्ती करना चाहते हो कोई बात नहीं, थोड़ा धर्म का अवलंबन करो ना, भूख शुरू करके मतलब भोग की इच्छा तुम्हारे अंदर भोग तुम्हें जब भूखा ठीक है, तुम धर्म अर्थ काम धर्म के माध्यम से अर्थ उपार्जन करके धर्म अर्थ काम तुम काम अपने भोग वस्तु को पूर्ण करो, उसको भूख शुरू करें, आप भूख शुरू भोग करते करते अपने आप ही सोच कर इतना तो डर जगह की जैसे ना जाओ काम वहाँ गाँव जीवन मुक्त अवस्था में अब अधिकारी पुरुष भगवान के रूप से किसी को छान दिया, जिस व्यक्ति के अंदर मानने के लिए इस मार्ग में आने से पहले थोड़ा बहुत जो है कि हम कठोर परिषद के लमराज की बात को अवलंबन करके इस विषय में आते हैं और आधिकारिक जावत अधिकार अधिकारी का नाम अधिकार जावत अधिकार आधिकारी का नाम जावत अधिकारी तृतीय पद की कहाँ है तृतीय जावत अधिकार आधिकारी का हाँ जी नहीं तो जब तक ये अधिकार है मतलब क्या हुआ आपने वैराग्य से पहले अवलंबन करके चलते थे, इच्छा हुआ कि मैं देवराज बनूंगा तो मैं अग्नि देवता बनूंगा, मैं वायु देवता बनूंगा, सूर्य देवता, ऐसे बंद आपने कर्म करने पर ही वैराग्य आ गया तो आपने इसको छोड़ दिया, छोड़ने पर संबंध बना जाएगा निष्ठा तो आपके अंदर ठीक रहेंगे क्योंकि कर्म करने संत करो शुद्ध होता ही है, तो फिर क्या होता है कि वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान के बाद वो जीवन मुक्त अवस्था धीरे 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 प्राप्त करता है। इस प्रकार के व्यक्ति को भगवान ने आधिकारिक पुरुष के लिए चिंता के विषय में जो होता है अब इच्छा थी ना वो ज्ञान रहते हुए राज ज्ञान रहते हुए उस कर्म का द्वारा ले पाया मन नहीं होते हुए उस दिन का कुछ राज करके चला इसलिए तभी जब भगवान में सृष्टि से होती है जाना में हम शैव दिव्य अनिंदम नहीं अध्रुवे प्राप्तते ही नहीं अध्रुवे प्राप्तते ही ध्रुवक्तम जत मया नचिकेत चित्त अग्नि अथ अनित्य द्रव्ये प्राप्त मानस मिलितम जब मैं बोलते नचिकेत नचिकेत तो हमसे बहुत बुद्धिमान हम तुमको सारा कुछ प्रलोभन मुक्ति को दिया तुमने सब छोड़ दिया और तो मैंने कभी इस पद को प्राप्त करने के लिए नचिकेत अग्नि को चयन किया था जाने में हम शेवत रीति अनित मैं जान करते हुए कि कर्मों का फल अनित्य ही होता है फिर भी मैंने कभी चयन किया नहीं अब ध्रुवे प्राप्त थे ध्रुवम तक अनित्य साधन के तरह नित्य वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता अपनी लवराज की देव अपना देखो स्वगत होती रही अपना अपना चिकित्सा बोल रहे फिर भी मैं नचिकेता को चयन किया
उपाय है सभी व्यक्ति को कैसे हम धर्म मार्ग में लाया फिर मुक्ति की रास्ता दिखा। इसीलिए आश्रम तीन प्रकार की है, एक मध्यम और उत्कृष्ट दृष्ट है। इसलिए उन लोगों के लिए उपासना उपदृष्ट सभी के लिए उपासना नहीं है, निम्न कैटेगरी के लिए कार्यक्रम में उपासना। इससे उच्च कैटेगरी देखो यहाँ पे भी कैसे बोल रहे हैं कि हमारा सप्तम अध्याय चल रहा है भगवद गीता के। सकाम व्यक्ति आपको जिज्ञासु अर्थात कि भगवान को पूजा करते हैं, परंतु सकाम व्यक्ति अपने कोई देवी देवता की पूजा करते हैं। भगवान बोला कि देखो एक ही जगह पे मैं भी हूँ, देवी देवता भी मेरा ही रूप है, परंतु उसी के अंदर विद्यमान मेरा रूप को नहीं जानने के कारण आप छोटे छोटे देवी देवता की पूजा करके आप छोटे छोटे देवी देवता संबंधी जो फल है उसको प्राप्त करें और देवता तक पहुंचे। परंतु मत भक्त क्या होता है, भगवान को पूजा करता है उस फल को भी प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे अंतकरण शुद्ध कर भगवान को प्राप्त करते हैं, तो उसको प्राप्त करते हैं। माम अभी अभी मतलब जो फल के लिए भगवान को पूजा कर उसको करेगा और अंतिम में भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए एक है आप जो निम्न आप अपना बौद्धिक चरित्र में नहीं उठा होगा तो वो क्या करेगा कार्यक्रम में उपासना को देवी देवता को उपासना में जाएगा। उससे तो उत्तम होना को उसी देवी देवता के अंदर ही तो प्रतीक के अंदर ईश्वर के चिंतन है, उससे भी थोड़ा अच्छा होगा। तो आत्मा इतने उपासित आत्मा वाले द्रष्टव्य श्रोतव्य मंत्रव्य निर्देशितव्य इस कैटेगरी में जाए, फिर जब उपलब्ध हो जाएगा तो कुछ नहीं समझ जाएगा है ना। इसलिए आप बोलते हैं इसलिए उपदेश करते हैं उपासना उपदेश स्वयं का कहता हूँ अनुपम है उनको, मतलब कृपा करके श्रुति ऐसा कहती है। अब देखो टीका में आश्रम न वर्णिन केवल आश्रम नहीं आश्रम और वर्ण धर्म को पालन करने वाले वर्ण का मतलब वर्ण आश्रम के अनुसार वर्ण भी है ना, तो आश्रम हो गया गृहस्थ ब्रह्मचर्य गृहस्थ परमपुरुष संन्यास। यहाँ पे संन्यास को जब आश्रम में गिरते हैं तो वो संन्यास है दंडी संन्यास है, यहाँ पे उसका उनका विधान है। और जो पारिप्रज संन्यास है इसी दिन ब्रह्म संस्थम अमृत तत्व एक जो चंद्रगुप्त से आया हुआ है तो वहाँ पे जो है ब्रह्म संस्थता का है तो आपका आश्रम से बोल मिल पड़ेगा आश्रम और वर्ण धर्म को पालन करने वाले ऐसे जो अत्यंत अधिकारी में कम है कार्य ब्रह्म उपासका हीन दृष्टय हीन दृष्टिकोण है, हीन दृष्टिकोण है हीन बुद्धि वाले मतलब सूक्ष्म वस्तु को देखने का समय स्थूल वस्तु को देखते हैं स्थूल वस्तु को कार्य ब्रह्म को उपासना करते हैं दृष्टय। कारण ब्रह्म उपासका मध्यम दृष्टि कारण ब्रह्म मतलब ईश्वर माया दृष्टि के चिंतन करने वाला मध्यम दृष्टि वाले हैं। अद्वितीय ब्रह्म दर्शन शिलार तो उत्तम दृष्टि है, अद्वितीय ब्रह्म को चिंतन करने वाले उत्तम दृष्टि वाले ठीक है। देखिए मतलब एक हिरण्यगर्भ एक विश्व एक निर्गुण निराकार एक विश्व एक दृष्टि है हमारे पास हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म उसका विस्तार है उसको लेकर के चिंतन करना उसके पीछे है ईश्वर हिरण्यगर्भ को छोड़ करके माया चेतन अव्यक्त अवस्था में है इसी को लेकर के चिंतन करना और उसके पीछे पर निर्गुण निराकार एक विषय शुद्ध आत्मा इतने वो उपासित है आत्मा आत्मा कोई बात नहीं क्योंकि हमें अक्षर दिया अधिकरण आया ब्रह्म सूत्र में लोग कहते हैं निर्गुण निराकार निर्विशेष को उपासना नहीं होता ब्रह्म ने क्या निर्णय करके दिया है निर्विशेष का निषेध रूप में चिंतन करोष्ठान रूप में बस उसको अक्षर दिया अधिकरण आया है आपके ब्रह्म सूत्र तृतीय अध्याय तृतीय अध्याय में जितना सूर्य है सबको इकट्ठा करके एक जगह पे लाया
ला करके देखो यहाँ पे ऐसा क्या, यहाँ पे ऐसा क्या, यहाँ पे ऐसा क्या, इसलिए इसका ये निष्कर्ष होगा। इस एक श्रुति को लेकर के विचार नहीं किया, ये अक्षर के अधिकरण में मान लो वैसे जी निषेध नहीं करते कि देव गुण का उपासना नहीं कर सकते, करिए निषेध मुख से करिए देव गुण को। इसलिए बोलते अद्वितीय ब्रह्म दर्शन शिलारंभ उत्तम निष्कर्ष एवं एतेषु त्रिविधेषु मध्ये तेषां मन्दानां मध्यमानां च उत्तमदृष्टि प्रवेशनार्थं दयालुना वेदेन उपासना उपदिष्टा। कितना सुंदर शब्द है, देखिए एवं एतेषु त्रिविधेषु मध्ये, इन तीनों के बीच में तेषां मन्दानां मध्यमानां, जिनमें मंद और मध्यम अधिकारियों का जो उत्तम दृष्टि प्रवेशनार्थ, उसके अंदर उत्तम दृष्टि को प्रवेश कराने के लिए दयालुना वेदेन परम करुणामय वेद अथवा परमात्म दिया गया उपासना उपदिष्टा, उनके द्वारा वेद के द्वारा उपासना को उपदेश किया गया, उपासना उपदिष्टा। जब तथा च उपासना अनुष्ठान द्वारेण उत्तमां एकत्र दृष्टि क्रमेण प्राप्त उत्तमेषु एव अंतर्भविष्यन्ति इति अर्थ। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तथा च इसके फल से ऐसा उपासना विचार करते हुए ये तथा च उपासना अनुष्ठान द्वारे ना, इस उपासना के अनुष्ठान करते हुए उसके माध्यम बना करके उत्तम आपको क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक दृष्टि आ जाएगा, उत्तम एकत्व दृष्टि क्रमेण प्राप्त, एक आकर क्रम से प्राप्त करेंगे दृष्टि, धीरे 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 प्राप्त होगा। जितना जितना शास्त्र बढ़ते जाएगा विचार दृष्टि बढ़ता जाएगा, जब जगत के मूल कारण एक आ गया है इसलिए सभी के अंदर एक ही तत्व विद्यमान है। ये हमारी सनातन परंपरा की भारत की वैशिष्टता है, विचित्रता में तत्व दर्शन है, लेकिन सामान्य यही होती है बहुत कम एकत्व को दर्शन करना है। सनातन परंपरा की पूर्व हमारी प्रत्येक जीव के अंदर ही बैठना चाहते हैं, ठीक है अलग अलग दिखाई दे रहे, अलग अलग भाषा, अलग अलग देश, अलग अलग काम बिना सब अलग है, फिर भी हम अनुष्ठान द्वारे उपासना के अनुष्ठान को माध्यम बना करके उत्तम एकत्व दृष्टि, उत्तम जो एकत्व दृष्टि है उसको क्रमेण प्राप्त, क्रम से प्राप्त करके उत्तमेषु एव अंतर भविष्यन्ति, मतलब है वो उत्तम अधिकारी हो जाए, है ना, उत्तम अधिकारी की बात ये मेरा इसका आपको क्या श्लोक का अर्थ आनंद जी ने आपको आप बोलते हैं कि श्लोक व्यावर्तना आशंका आहो, इस श्लोक के द्वारा जिस शंका को निराकरण करना चाहते हैं मंत्रकारिका का, उस शंका को भगवान भाष्यकार दिखाते हैं। श्लोक व्यावर्तना आशंका, श्लोक के द्वारा इस श्लोक के द्वारा निराकरण करने योग्य जो शंका है उसको दिखाना चाहते हैं भगवान भाष्यकार। यहाँ पर शंका आशंका आहो यहाँ पर तत्व लेगा भगवान भाष्यकार, है ना, यदि पर एव आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एक परमार्थ सन एकमेव अद्वितीयम् इत्यादि श्रुतेभ्य असत् अन्यत् किमर्थम् इयम् उपासना उपनिषद्। हाँ, यदि ऐसा ही है, क्या है कि एक एव आत्मा, आत्मा कितने हैं हमारे पास, एक है, और आत्मा कैसा है, नित्य, आत्मा शुद्ध है मतलब कोई विजातीय वस्तु नहीं है, आत्मा बुद्ध है मतलब चेतन है, आत्मा में बंधन नहीं है, अज्ञान नहीं है, अथवा ये नित्य शब्द को कार्यकारण भाव से रहित है, नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त, नित्य का सबका भीषण बना देंगे, नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त, है ना, हमेशा शुद्ध है हमेशा चेतन, एक ही स्थिति में, एक एक स्थिति में रहता है और आत्मा में बंधन नहीं है, ये मुक्त मुक्त का कार्यकारण भाव है ही उसमें, इस प्रकार स्वभाव वाला एक ही तत्व है नित्य। ये भगवान भाष्यकार की बहुत कई भाष्य में आपको मिलेगा, नित्य शुद्ध रूप में नित्य स्वभाव एक ही आत्मा, है ना, आत्मा क्या है, नित्य शुद्ध है, आत्मा नित्य है, नित्य मतलब क्या कि जन्मादि क्षय भाव बेकार नहीं है, जन्मादि क्षय भाव बेकार नहीं है, शुद्ध है मतलब कोई विजातीय वस्तु नहीं है, विजातीय वस्तु होता तो शुद्ध होता, बुद्ध है मतलब क्या है, उज्ज्वल नहीं है, चेतन है,
और मुख्य मतलब बंद कर देंगे। देखिए निर्गुण जरा का एक विषय को समझाने के लिए सब निषेधात्मक बोले गए हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, इसलिए वो नित्य है, शुद्ध है, मतलब कोई विजाति कोई दुष्ट का वस्तु है नहीं, इसलिए शुद्ध है। और मुख्य है मतलब वो जड़ नहीं है, और मुख्य मतलब अज्ञान नहीं है, जितना भी प्रतिपादन करने वाली सूर्या है उसको लेकर असत अनंत उस एक तत्व को छोड़कर के बाकी जो भी कुछ है वो पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, असत अनंत होना करते जाना। यदि ऐसा ही है तब इस असत वस्तु की उपासना के बारे में क्यों बता दिया, किम अर्थ है यह उपासना उपदिष्टा, तब किसके लिए इस उपासना को उपदेश दिया गया है, उपासना को उपदेश कहाँ दिया। तो देखो यहाँ पे कैसे दिया, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य जिज्ञासितव्य वेदांत को ठीक है। तो आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य जिज्ञासितव्य उपासना कहाँ का जिज्ञासितव्य उपासना मंतव्य बार बार विचार करना है उपासना के लिए करना है। फिर जब आत्मा अपहर तो आत्मा विजार सभी जिज्ञास वही जानने के तो संसार में वस्तु है, ये छात्र को छुटी है धर्म विद्या छत्तम विद्या सब क्रतु गुरु युद्ध सांगल्य विद्या यथा क्रतु अस्मिन लोके पुरुषो भवती जब प्रत्य तथा भवती सांगल्य विद्या, मतलब जैसे आप संकल्प करेंगे आगे छोड़ता है आगे छोड़ कर निम्न अधिकारी और उत्तम अधिकारी और बोलते हैं आत्मा इतम उपासी जिज्ञासा इत्यादि श्रुति इस प्रकार श्रुतियों से केवल इतना ही नहीं कर्माने जो अपनी मुद्रा के लिए अलग अलग कर मतलब ब्राह्मण के लिए अलग कर्म क्षत्रिय के लिए अलग कर्म शूद्र के लिए अलग कर्म शूद्र के लिए अलग कर्म पशु के लिए अलग कर्म ये सारे कर्मों को विभाजन करके क्यों लिखा है। यदि वहाँ पर भेद नहीं है सब एक होता फिर कर्म क्यों कहा जा रहा है, इसीलिए आपका कथन सही है लेकर तो सही नहीं है, आपको क्या होगा कि भेद भी आपको मानना पड़ेगा। इस प्रकार से शंका करते हैं वहाँ कि आत्मा बाहरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य विद्यासितव्य आत्मा अपहत आत्मा विजय छांद को शांति विद्या आत्मा इतने को उपासित वेदात्मक परिषद जो है आपका आत्मा सामान्य सर्वोत्तर है ना पुरुष विधो ब्राह्मण वशिष्ठ सर्वोत्पदन प्रथम प्रधान इस प्रकार श्रुति वाक्य से केवल इतना ही नहीं कर्मानि जो अपनी मुद्रा भी नहीं अलग अलग कर्म दस पूर्ण मानता योगिष्ठ अपनी मुद्रा जाके ज्ञान का विधान करते हैं श्रुति में इस प्रकार लीजा है ना पुत्रेष्ठ लीजा शेर जा कितने प्रकार की जात श्रुति ने विधान किया, इसलिए शब्द अलग अलग अधिकारी होने का आत्मा कैसे हो सकता है। इस प्रकार शंका करने पर इस प्रकार शंका होने पर तब बोलते हैं आप मैं पहले भाष्य को पढ़ लूंगा फिर टीका ना होगा ठीक है भाष्य से टीका समझ श्रीमद प्रकार नाम श्रुति को इस प्रकार से अलग अलग करके कहने के पीछे क्या हेतु है इसको सुनो सुनो हमसे सुनो सुनो मतलब तुम सुनो इस विषय में तत्व मतलब क्या हो जाएगा ये भेद का के लिए उपासना उपदेश कर्म का उपदेश इस विषय में भेद जो कहा गया क्यों कहा गया क्यों कहा गया इस चीज़ का कारण तो सुनो तो क्या है आश्रमः आश्रमेण अधिकृता जो आश्रम में अधिकार में रहते हैं मतलब आश्रम क्या है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास चार आश्रम को धर्म को अनुपालन करके जो लोग रहते हो गए आश्रमिणः अष्टम अष्टम धर्म को पालन करने वाले केवल अष्टम धर्म नहीं अपने वर्ण अनुसार अष्टम धर्म को पालन करते हैं वर्णिनश्च मार्गदा अपने वर्ण के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अनुसार जैसे आश्रम है तद अनुकूल जो है अब शरीर की अवस्था भी है उसके साथ वयस्क वय को प्राणी कर्म का भिन्न है आ मार्गदा मतलब वर्णिन मतलब वर्ण और आश्रम धर्म को पालन करके चलने वाले व्यक्ति लोग उसमें जो है
आश्रम शब्द से प्रदक्षिणा। अब उस आश्रम शब्द को यहाँ पे जो गवर्नमेंट ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शुक्र अथवा दोनों को मिला करके आप उसमें अधिकारी को भिन्नता को दिखाने के लिए त्रिविधा कह दी है ना। उसको मतलब किसी भी वर्ण किसी भी आश्रम का हो और उसमें भी उत्तम कोटिकारी हो सकती है, क्योंकि आप एक मान लीजिए एक शूद्र है ना, कोई अपने धर्म को पालन कर रहा है उत्तम अधिकारी हो सकता है। मतलब शास्त्र के अंदर उसका अधिकारी तो जन्मांतर के कितना किया हुआ, जन्मांतर में कुछ कर्म किया हुआ, इसमें कोई कर्म का विभाग था इस जन्म में हो सकता है शूद्र शरीर मिला, परंतु जन्मांतर संस्कार उसको जो है फिर उसे वहाँ से शुरू करेगा, वो जन्मांत में आप शुरू कर हो जाएंगे। इस प्रकार से जो किसी भी वर्ण और आश्रम धर्म को पालन करने वाला हो उससे फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर दृष्टि कैसी है। इस बाधा का यहाँ पे बोर्ड पर चलते यहाँ पे तीन विभाजन की आश्रम विभाग है। तो क्या बोलते हैं आश्रम शब्द से प्रदर्शन प्रदर्शनात्मक त्रिविधा, मतलब वर्णिक उपलक्षण आश्रम और वर्ण को उपलक्षण लेकर के वो तीन प्रकार के होते हैं। एक नंबर टिप्पणी प्रदर्शनात्मक वर्णिक उपलक्षण आश्रम के साथ वर्ण का भी मिला करके उसमें से दिखाने के लिए प्रथम कैसे है बोलते हैं मध्यम उत्कृष्ट दृष्टि, कुछ हीन दृष्टि है मतलब कुछ किसी का बौद्धिक योग्यता उतना सूक्ष्म नहीं है, इसका वो भगवान को मंदिर में रख करके अलग करके पूजा करना चाहते हैं, रोज मंदिर जाए पूजा करेंगे, यदि भगवान जी को साथ रह जाएगा ना मुझे पता लग गया तब उसका व्यापार बंद हो जाएगा, झूठ नहीं बोल पाए चोरी नहीं कर पाए व्यापार बंद हो जाएगा। अभी आके भगवान बोल दे कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम हमारे साथ इतना दिन का पूजा किया सेवा किया, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, जहाँ कहेंगे तुम जाओ। कुछ जब कोई व्यापारी जो सामान बेचेगा देखो मैं तुम्हें सबसे कम कीमत में दे रहा हूँ, मेरा कुछ भी प्रॉफिट दे रखना हूँ, तो वही झूठ बोल पाएगा, झूठ उसको पता है कि भगवान कहेंगे दूसरी जगह बल मिलेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं चाहते हैं कि भगवान ने मंदिर में रहे, अच्छा मंदिर में रहे मैं जाऊँगा पूजा करूँगा बोल जाऊँगा, क्योंकि ये जो भगवान जो इधर तो बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, परंतु कॉन्शियसनेस क्या चीज है उसके वो यदि अपना स्वरूप गुरु करके विद्यमान है कि यदि आपको मालूम हो जाए तब आप कभी भी कोई गलत स्टेप नहीं रख सकते, नहीं रख सकते प्रगत के कारण कोई गलती हो भी जाए फिर भी जो है आपको समझ में आ जाएगा हमारे अंदर अंदर जन बैठ करके। इसलिए अगर बोलते हैं प्रथम निम्न मध्यम उत्कृष्ट दृष्टि यह तीन है, मतलब बौद्धिक योग्यता के हिसाब से कुछ उत्तम है कुछ मध्यम है कुछ हीन है, सूक्ष्म नहीं है मध्यम उत्कृष्ट दृष्टि, मतलब देखिए दृष्टि में दृष्ट दर्शन सामर्थ्यम, दर्शन सामर्थ्यम कोई इसको देख करके बोलेगा ये तो बोलेगा उसको ये बोलेगा अब इसका क्या बोलेगा, अरे वृद्धा होते 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 सुंदर अच्छा महसूस उसको बोल देगा कोई देख कर गौरी रहता है क्या हो गया ये तो सचिदानंद इसका स्वयं हो रहा है और उससे भी अच्छा व्यवहारिक उपाय। देखिए अलग एक ही वस्तु को देख करके अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग विचार सामान्य रूप में देखिए मान लीजिए गंगा जी के पुष्पा से कोई एक व्यक्ति कोई एक बालिका को नदी से खींच कर आपको दिखेंगे आप उसमें कोई सामान्य देखोगे बालिका के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो नहीं नहीं बालिका जल में गिर गया तो उसको उठा कोई गलत बालिका उसके बालिक बच्चे हैं तो बच्चों को बचाए काली रख करके और रख दी अब तीन चार व्यक्ति को अलग अलग भेजी अब देखिए आकर के तीन चार व्यक्ति अलग अलग का गोबर क्या देख कर आया सब अलग अलग बोले कोई झूठ नहीं बोल रहा सब सही बोल रहा है मैं देखे एक टेबल टेबल के ऊपर एक भगवो का कपड़ा भगवो का पेट एक ग्लास और ग्लास में ना आधा खाली है किसने बोला मैंने देखा वहाँ पे क्या देखा वो ग्लास आधा भरा है फिर बोलेगा ग्लास आधा खाली है आधा भरा है और ग्लास में ना वो टेबल का तो रंग था ना कपड़ा का रंग नहीं मिला पानी भी उसे थोड़ा रंग नहीं दिखाई देगा एक ही वस्तु है क्या भिन्नता क्यों हो रहा है वो व्यक्ति की दृष्टि का दृष्टि
कोई मतलब कुछ ऑप्टिमिस्टिक कोई पेसिमिस्टिक मतलब आशावादी निराशावादी इस प्रकार के पूर्ण कथन से पता लग जाता है व्यक्ति दृष्टि का। कोई व्यक्ति संसार को भरा हुआ है, कोई व्यक्ति संसार को खाली देखते हैं, कोई व्यक्ति कहाँ भरे कहाँ खाली देखते हैं, ठीक है ना। ये दृष्टिकोण है, ये भिन्न दृष्टि है। वेदांत को अच्छे से आपको सिखाएगा कि विचार कैसे पूर्ण करें। फिर होते हैं कि हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टि, हीना निकृष्ट मध्यम उत्कृष्ट दृष्टि, दर्शन सामर्थ्यम देशा जिसको जैसा दर्शन की सामर्थ्य है बुद्धि में जैसा शुद्ध है ते मंद मध्यम उत्तम बुद्धि सामर्थ्य उपेता है ना। तो क्या हो गया बौद्धिक योग्यता में, बौद्धिक योग्यता में किसी को स्थूल वस्तु को देखने का अभ्यास है, किसी को जो है स्थूल और सूक्ष्म मिलाकर किसी को सूक्ष्म को देखने का ये जो है यही योग्यता होती है। मंद मध्यम उत्तम बुद्धि सामर्थ्य उपेता उपासना उपदेश उपासना उपदिष्टा इस प्रकार की उपासना को उपदेश किया गया है। उपासना उपदिष्टा यम अब जो है उपासना स्त्रीलिंग है इसलिए उपदिष्टा अगर उपदिष्टा पढ़े प्रीतम शब्द जो है आपका नॉमिनेट यम यम होगा प्रीतम होगा जोटर होगा पुलिस आदि स्त्रीलिंग होगा यम स्त्रीलिंग होंगे पढ़ते समय इसको यहाँ पे कैसे पदच्छेद करेंगे। उपासना उपदिष्ट यम हम उपासना में आता है बिंदु आए भूल शब्द होता है वो हो गया उपासनोपदिष्टेयम है ना। तदर्थम पुण्यमन के लिए मंदम मध्यम दृष्टि अष्टमादि अर्थम तदर्थम मतलब कौन कौन अष्टम है किसकी बुद्धि की उत्पत्ति कैसी है। देखो देख होम्योपैथी का आयुर्वेदिक दवाई में देखना व्याधि एक प्रकार की होने पर भी उस व्यक्ति के अंदर बात विद्वत कह किसकी धातु विषमता में किसकी मात्रा दी है तब हम कुल जो है दवाई देते ठीक है ना। वासना की बीमारी है हमारी परंतु किसकी वासना की मात्रा किस प्रकार की अधिक कम किसके हिसाब से सुदृढ़ प्रकार उपासना की जाए उपासना उपस्थित मंद मध्यम दृष्टि 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 अष्टमादि अर्थ मंदम मध्य दृष्टि के अष्ट में जो अर्थ अलग अलग विषय कर्मादि चतुष्टि कर्म को भी विधान किया न आत्मा एक अद्वितीय इति निश्चित क्योंकि उन लोगों को अभी ये निश्चय नहीं होगा जहाँ का छोटा जन्म वहाँ का गया। उपासना उपदिष्टा यम तदर्थम मंद मध्यम दृष्टा अष्टमादि अर्थम कर्मादि च और कर्म को भी उन लोगों के इस प्रकार अलग अलग दृष्टि का ऐसा विधान किया न च यहाँ कहा था कि न च आत्मा एक अद्वितीय इति निश्चित है ना। जिसका अभी तक ये निश्चय नहीं हुआ क्या निश्चय नहीं होगा आत्मा एक है भेद गणित है ना। उत्तम दृष्टि इस प्रकार उत्तम दृष्टि को प्राप्त करने के लिए दयालु न वेदे न अनुकंपया है ना। दयालु वेद के द्वारा है ना देखिए इसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच देखिए वेद को चेतन मानते हैं तभी जाकर तो दयालु को अनुकंप कर सकते हैं तो शिष्य दृष्टि है दुष्य की मानी है अंग्रेजी में भी है ये फिगर ऑफ स्पीच इसी शब्द को ही हमारे यहाँ पे आनंद गिरी जी ने दयालु ना वेदे न उपासना उपदेश आनंद गिरी जी ने प्रयोग किया शब्द भाषिका के शब्द ही प्रयोग अवलंबन करके किस प्रकार से इस उत्तम एकत्व दृष्टि को प्राप्त कर जाए उसके लिए ये मार्ग उसके लिए मार्ग देखिए इस प्रकार करुआ दवाई है करुआ दवाई उसको कहते हैं शुगर को ठीक कर देते हैं कभी कभी उसको ऊपर कैप्सूल लगा देते हैं कभी करुआ है तो इस यहाँ पे श्रुति एकत्व मार्ग को समझना थोड़ा कठिन पड़ता है तो उसको थोड़ा सा शुगर को ठीक करके मतलब जो ऐसे ऐसे इसको ग्रहण करो तो थोड़ा फल प्राप्त होगा फिर धीरे धीरे एकत्व में जाएंगे एकत्व में जाएंगे इसलिए बोलते हैं सन्मार्ग का संत सन्मार्ग में चलते हुए कथम इवाम उत्तम कैसे इस उत्तम एकत्व दृष्टि प्राप्ति हो उस उत्तम दृष्टि को प्राप्त कर सके इसलिए श्रुति ने ऐसा पर उत्तम अधिकारी के लिए क्या कहते हैं अपने आप को समझ जाएगा धीरे धीरे कहने पर सच
देखो कहना प्रश्न शुरू में जाते हैं क्योंकि बोलते हैं क्या बोलते हैं पांच जगह भी लिखा है कि जिसके रहने के कारण मन अपने अविष्ट वस्तु को मनन कर सकते हैं जब मनसा न होते परंतु जिसको मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता जिसके बारे में मन नहीं सोच सकते हैं परंतु जिनको रहने के कारण मंत्रों के वस्तु को मन मनन कर सकते हैं तदेव ब्रह्म वो ब्रह्म है मन उसको मनन नहीं कर पाएगा परंतु जिनके रहने के कारण मन में मनन सामर्थ्य आता है वो ब्रह्म है नहीं तो जन उपासक देवता उसे में संक्राम हुआ देवता ने जीता सोचा कि हमारे विजय है हमारी महिमा देवता की इस अहंकार को शुरू करने के लिए तब ब्रह्म उनके सामने आमने खड़े हो यक्ष रूप धारण करके आया अब बता जो आप अपने आप जो श्रुति ये कहते हैं कि नहीं नम यदि जब उपासक है वही श्रुति अवतार बात को दिखाया कि आवश्यक होने पर वही दिन गुरु देवता ने विशेषकर तो शरीर धारण करके आते हैं हमको धर्म शिक्षा देने के लिए यह अधिकार की भिन्नता के लिए अधिकारी उत्तम है अच्छा की समझ में क्या क्योंकि उसका आवश्यकता नहीं है इसलिए आप बोलते हैं कि जब मन शाना मन के देव आहुर मनो मतम तदेव ब्रह्म तम व्यक्ति देवम व्यदम उपास ये हो गया यह निषेध किया अब तो है क्या स्थिति तत्तम शिक्षा जगेश अनिमा अलगत्मिदम सर्वम तत्सत्तम स आत्मा तत्तम शिष्य के आत्म ही परिगम सर्वम किसी चीज को तो अर्जुन भी समझ नहीं पा देखिए मतलब समझ तो दर्शन अभी अथवा हमारी प्रस्थान है कि एक बात होता अर्जुन तो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है साक्षात भगवान सामने थे शिला दे देते भगवान दे गए नहीं हो पाए वो वर्ण और अस्त्र धर्म को पालन कर क्षत्रिय हो भ्रष्टाष्ट्र में उसको निष्काम भाव से पालन करो तब जाकर के तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्ति की योग तब जाते तो हमारी तत्व को समझ पाओ इसलिए एक तरफ बोल रहे क्या त्रैगुण विषय आ गया निस्त्रैगुण भाव आ गया उसमें क्या बोलते हैं युद्ध तस्मात युद्ध से बाहर आ गया यह अद्भुत लगता है विरोध लगता है जब बोल रहे गुणाती तो अर्थात बोल रहे तस्मात युद्ध से बाहर इसलिए तुम युद्ध करो ऐसा विरोध लगता है ये है अधिकार की भिन्नता हम कहाँ पे खड़े हैं वहाँ से हम उस जगह चोटी तक ले जाने के लिए उपाय क्या है यही उपाय इसीलिए शुद्धि के द्वारा उपासना करना को ध्यान दिया उपासना कर तात्पर्य उसमें नहीं है तात्पर्य में लक्ष्य जन के द्वारा कृष्ण निश्चय कर सकते अब आइए इसका कमें देखिए कि श्लोक को क्या बोलता आश्रम का मान यदि पर एक आत्मनित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एक परमात्मा शांति का एक बात कर दिए तस्व परमात्मा का सत्य प्रमाण आहो आत्मा ही पारमार्थिक सत्य वस्तु है में क्या प्रमाण है सुखी प्रमाण है द्वैत प्रतीतेर मिथ्या अद्वैत विषयत्वेन अविरोधम आह द्वैत प्रत्यक्ष किस प्रकार देखिए कल रात को आपने सामने स्वप्न देखा कि भयंकर भय क्लाउड वास्तु और उत्तर कश्मीर मार आ गया कैलाश आश्रम नहीं गया आज सूर्य पार चल रहा था कि नहीं चल रहा क्या मैं क्या बोला पहले क्या बोला मैंने कल रात को मैंने सपना देखा क्या सपना देखा
कि भयंकर क्लाउड ब्लास्ट हुआ और उत्तर काशी में सारा बह गया। एक बार देखा हुआ है वस्तु आपके सामने, उसका संस्कार तो है, ऐसा बारिश हो गया रात को ऐसे सामने, फिर आपसे हम पाठ के लिए आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, पाठ चलेगा कि नहीं चल पाएगा, चलेगा क्यों चलेगा, वो प्रातिभाषिक था, ये व्यवहारिक है, ये प्रातिभाषिक वस्तु का जो हमारा तीन सत्ता में आपस में कोई विरोध नहीं है, ये नहीं समझ पाते हैं लोग, एक प्रातिभाषिक शब्द है, एक व्यवहारिक शब्द, एक पारमार्थिक शब्द, कोई शब्द दूसरे के साथ विरोध नहीं करता, एक दूसरे के साथ विरोध नहीं करता, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प और रज्जु और सर्प आपस में लिंग लड़ता, उपस में रज्जु सर्प को दिखाने में मदद करता, क्योंकि एक प्रातिभाषिक है एक व्यवहारिक है, ठीक है ना। ये चीज बोल रहे हैं आपसे कि द्वैत प्रतीत मिथ्या अद्वैत विषय अविरोधन, ये जो द्वैत प्रतीत जो आपको हो रहा है ना, उसका विषय था अद्वैत एक अधिष्ठान, वो अद्वैत एक अधिष्ठान ही पारमार्थिक अधिष्ठान ही द्वैत प्रतीत का कारण, इसे विरोध नहीं है, वो रज्जु ही सर्व प्रतीत, सर्व जलधारा पुष्प माला दंड उसको देखने के लिए कौन है अधिष्ठान, रज्जु है, उसके साथ इसका विरोध होगा तो आपको नहीं दिखाई देता, मन इसलिए विरोध नहीं है। कई छोटे छोटे वैदांतिक सिद्धांत को आप देख पक्का कर लेंगे ना, आपको कोई डाउट नहीं है, इसलिए बोलते हैं द्वैत प्रतिदिन मित्र, द्वैत प्रतिदिन मित्र, द्वैत विषय द्वैत प्रतिदिन है तो अद्वैत अथवा द्वैत प्रतिदिन मित्र द्वैत विषय मित्र वस्तु विषय करते हैं, इसीलिए अथवा अद्वैत विषय दोनों प्रकार से अर्थ होता है, वहाँ कैसे लिखा है द्वैत प्रतिदिन मित्र द्वैत विषय अथवा मिथ्या अद्वैत विषय यही होगा, लिखा के ही रहेगा ना, द्वैत का विषय क्या होता है मिथ्या द्वैत। अच्छा जो कि आप थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि का क्या होगा, जब तक भेद दिखाई पड़ रहा है तो उसका अधिष्ठान क्या है अद्वैत, इसीलिए विरोध नहीं है, इसीलिए विरोध नहीं है, यदि मतलब शब्दों को आप सिद्धांत को समझ जाएंगे तो द्वैत प्रतिदेर मिथ्या द्वैत विषय अथवा मिथ्या द्वैत विषय लिखा ही रहेगा, दोनों अवस्था में द्वैत प्रतीति का अधिष्ठान अद्वैत है, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है, इसलिए असत अन्न, इसलिए पारमार्थिक अधिष्ठान सत्य है और अन्न वस्तु भिन्न, मतलब अन्न असत है मतलब भिन्न है पारमार्थिक नहीं है, तत्र ही निदित फिर आगे होता कि असत अद्वैतस्य एव वस्तुते ध्यान विधि विरोधम आह। अच्छा ध्यान में आपका क्या करना पड़ता है, आपको उपासना करनी, तो उपास्य देवता आपके भिन्न हो, और जो आप भेद करके उपासना करेंगे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन इसमें तो शुरू के चंद्र इसको उपासना करते हैं, आदित्य ब्रह्म की उपासित मनो ब्रह्म की उपासित आकाश ब्रह्म की उपासित इस प्रकार करते हैं, तो अलग अलग करके उपासना करते हैं, इसलिए बताए अद्वैतस्य एव वस्तुते, यदि अद्वैत ही पारमार्थिक होता तो ध्यान विधि विरोध, तो अलग अलग वस्तु को ध्यान करने का सिस्टम ध्यान किया उसका विरोध हो जाएगा, उसका विरोध हो जाएगा, उसको विस्तार से ठीक है, वहाँ पर निरीक्षण के लिए सामान रखते हैं, निरीक्षण मतलब चिंतन करना ध्यान करना उपासना अथवा मनन भी एक प्रकार के चिंतन ही, अगर मन किसी को विषय बनाकर कब चिंतन करेंगे तो भिन्न हो गया, चिंतन करने वाला विषय चिंतन भिन्न हो गया, तो देख तो आ ही गया अद्भुत नहीं क्या था सर, ठीक है नहीं करना ठीक है। अच्छा कल परसु होगी छुट्टी होगी, कल जो दिन आए रक्षा बना कल ही है, पूछा था स्वामी जी हम वहाँ बोल के नहीं आते, फिर आप निर्णय करते भी बोल बोलना पड़ता है, आचार्य जी मेरे को बोला कि कल जो है पूर्णिमा है अब रक्षाबंधन है और परसों प्रतिपदा है, रक्षाबंधन तो कल ही मिलना है, कल आपको छुट्टी चाहिए, आप लोग थक गए हैं, आपका तो परिवर्तन जी आपको तो भाव विश्व का ज्ञान भी देगा क्या, इसलिए महीना एकादशी और सोमवार
अवतार का संप्रदाय है। और किसी बारे का किसी आज सुंदर के दर्द ना हमको कहते देखो ये तो और कुछ ना देखो पकड़ लिया फिर बात नहीं हम इस बात ना करें तो कल परसों दो दिन छुट्टी हो जाएगा आज कौन सा बोलेगी लास्ट में कल दूसरा वाला बोले आज तीसरा वाला बोले जब प्रज्ञा लोका भाषा प्रतिहत्य गमन स्वांत महांधकारो मर्च उन्मज्ज च भोरे अशक्ति उपजन उदंबति काशने यत्पादावास्कितानां श्रुतिशम विनयं प्राप्तिरग्राह्यो मनः तत्पादौ पावनीयौ भवभर्विनौ सर्वभावैर्नमस्ये ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य